गुजरे हुए 4.5 अरब सालों में पृथ्वी ने बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। चाहे बात करें पृथ्वी के बनने के उस दौर की जब ये एक आग का गोला थी, या बात करें उस दौर की जब पृथ्वी ने कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की भीषण टक्करों का सामना किया था, या बात करें उस दौर की जब पृथ्वी ने जीवन के उस पहले बीज को अपने ऊपर संजोया था, या बात करें उस दौर की जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स का राज था, या फिर बात करें हमारे इस वर्तमान दौर की जिसमें इंसानों ने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बनाया है। इतिहास गवाह है कि पृथ्वी हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। समय के साथ साथ पृथ्वी ने हर बार अपने रूप को बदला है और पृथ्वी पर ऐसे ही बदलाव भविष्य में भी जारी रहेंगे। तो आइए आज मैं और आप मिलकर एक कल्पना करते हैं और अब से 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर कैसा बदलाव आने वाला है उसकी एक झलक आज ही देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डुबकी मारते हैं अपनी कल्पना के सागर में और अब से 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर एक दिन बिता कर आते हैं। तो अब आप पृथ्वी के उस दौर में हैं जहां दिन रात 24 घंटे नहीं बल्कि 29 घंटे के हैं, क्योंकि गुजरते समय के साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन धीमा हो गया है, इसलिए दिन और रात 24 से बढ़कर 29 घंटे के हो गए हैं। अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको पृथ्वी में बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। समय के चलते चलते इन 1 अरब सालों में पृथ्वी पर समुद्रों का पानी पूरी तरह से सूख चुका है और पृथ्वी पर चारों ओर पानी की एक बूंद तक नहीं बची है। अब पृथ्वी पर केवल विशालकाय गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। अब जब आप पृथ्वी पर लैंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। आपको इस समय स्पेस सूट की आवश्यकता होगी जो पृथ्वी के इस भीषण तापमान को सहन कर पाएगी। इन 1 अरब सालों में पृथ्वी का ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत भी पड़ेगी। पृथ्वी पर इस समय जीवन का नामो निशान मिट चुका है। इस समय आसमान में देखने पर आसमान नीला नहीं बल्कि ग्रे और ब्राउन नजर आ रहा है। आसमान में सूर्य बहुत चमकीला नजर आ रहा है जिसे डायरेक्ट देखने पर आप अंधे भी हो सकते हैं। जमीन पूरी तरह से सूखी और बंजर हो चुकी है जो कि ग्रे और ब्राउन नजर आ रही है। रात के समय आसमान में देखने पर चांद पहले से बहुत छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि इन 1 अरब सालों में चांद पृथ्वी से काफी दूर जा चुका है। पृथ्वी पर 1 अरब साल पहले जो मानव जाति राज कर रही थी वो या तो किसी अन्य तारामंडल के किसी अन्य ग्रह पर जाकर बस चुकी है या फिर पृथ्वी से मानव जाति का वजूद ही खत्म हो चुका है। दोस्तों, समय का नाम ही बदलाव है। जो कल नहीं था वो आज है और जो आज है उसका भी अंत निश्चित ही होगा, और हमारी पृथ्वी भी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। इसका अंत निश्चित है, लेकिन प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती। ये हमेशा अपने आप को बैलेंस रखती है। आज भी नए ग्रहों और तारों का बनना जारी है। जहां एक ग्रह से जीवन समाप्त होगा वहीं दूसरे ग्रह पर जीवन शुरू होगा। यही बदलाव की प्रक्रिया है। तो चलिए अपनी कल्पना के सागर से बाहर निकलते हैं और अब वर्तमान में लौट आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये परिकल्पना आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।